एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है पहले का दूसरा चेक करना है जो एक्स वाई है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव और एक्स कहाँ से लेना है चार से कम और जो एक्स वाई है वो दोनों के दोनों कहाँ से हैं प्राकृत संख्याओं से लेना है एन से। तो सबसे पहले संबंध के एलिमेंट बनाते हैं आर की। एक्स का मान क्या क्या हो सकता है 1, 2, 3। कंडीशन है कि चार से कम होना चाहिए और स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। जब x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो y आ जाएगा 1 प्लस 5 तो 6 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2 लिया तो y क्या जाएगा 7 2 प्लस 5 7 x इक्वल्स टू 3 लिया तो y कितना जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। रिलेशन r का एलिमेंट हो गया सीधा से दिख रहा है फर्स्ट समतुल्य है नहीं है समतुल्य है समतुल्य नहीं है क्योंकि समतुल्य के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये एलिमेंट इस आर में होने चाहिए थे। समतुल्य की कंडीशन ये जो खुद का खुद से ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 किसमें होने चाहिए थे आर में होने चाहिए थे लेकिन ये फिलहाल आर में नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। फिर चेक करते सममित। सममित के लिए देखो 1, 6 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर 1, 6 आर के अंदर है तो क्या 6, 1 आर में है चेक कर इसको उल्टा आर में नहीं है संबंध में नहीं है इसका मतलब सम्मित भी नहीं है। थर्ड चेक करते संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन बननी चाहिए ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर। पहले ये दोनों कंडीशन बननी चाहिए इसमें एक कंडीशन ही नहीं बन रही तो ये संक्रामक जाएगी नहीं कर सकते इसको। 1, 6 है तो 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा 2, 7 है तो 7 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा 3, 8 है तो 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ना ही समतुल्य है ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है।